सरकार बजट सत्र में रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल संसद में पेश कर सकती है। शहरी विकास मंत्री कमलनाथ के मुताबिक रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल का फाइनल ड्राफ्ट तैयार है और कैबिनेट जल्द ही इसे हरी झंडी दे सकता है। ये बात शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने जी बिजनेस के गुरुहम्स अवार्ड के दौरान कही। जानकार भी मानते हैं कि इस बिल के बाद ग्राहकों को काफी फायदा होगा, जबकि बिल्डर्स मानते हैं इसके मौजूदा प्रावधानों में नरमी लाने की जरूरत है। समय पर प्रोजेक्ट तैयार न करना, वादे के मुताबिक ग्राहकों को सुविधाएं न देना या फिर सुंदर मकान के सपने दिखाकर ग्राहकों को चूना लगाने वाले बिल्डर्स की अब खैर नहीं। केंद्र सरकार अगले दो महीने में रियल एस्टेट रेगुलेटर लाने जा रही है। इस बिल को जल्द ही कैबिनेट की हरी झंडी मिल सकती है और इसे बजट सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सबसे चर्चा हो रही है और मुझे लगता है कि अगले दो महीने में ये फाइनल हो जाएगा। इस बिल की आवश्यकता है। इस रेगुलेटर के बनने से बिल्डर्स के साथ विवाद में फंसे ग्राहकों की शिकायत का तुरंत निपटारा हो सकेगा। इस बिल के तहत सभी बिल्डर्स को रेगुलेटर के पास रजिस्ट्री कराना जरूरी होगा। हर बिल्डर को अपने प्रोजेक्ट जमीन कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी ग्राहकों को मुहैया करानी होगी। अप्रूवल मिलने के बाद बिल्डर प्लान में बदलाव नहीं कर सकेंगे और बदलाव करने की सूरत में बिल्डर को ग्राहकों को पैसे लौटाने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, बिल्डर्स के परफॉर्मेंस के आधार पर रेटिंग भी दी जाएगी। नियम तोड़ने पर कड़ी सजा का प्रावधान भी है। इस इंडस्ट्री में कोई एंट्री बैरियर नहीं है और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरत है और खासकर एंड यूज़र के लिए। उसको अभी तक बिल्कुल जो है वो बिल्कुल डार्कनेस में रहता है। ये आम आदमी को भी हेल्प करे, उससे चीटिंग ना हो, लेकिन डेवलपर्स को भी हैरेसमेंट का जरिया ना बने और एक और विंडो ना बने और जो कस्टमर्स हैं कस्टमर्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ कंट्रोल रखें। रियल एस्टेट रेगुलेटर के गठन से ठगे गए घर खरीदारों को एक नया मंच मिलेगा जहां वो बिल्डर्स के खिलाफ शिकायत कर सकेंगे। सुप्रिया भारद्वाज, जी बिजनेस, दिल्ली। और आखिरकार कसाब को लटका दिया गया आज फांसी पर। पूरी खबर विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद।